नमस्कार दोस्तों इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी का वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ये हमारा वीकली करंट अफेयर डिस्कशन का वीकली शेड्यूल और ये हमारा जीएस की लाइव क्लासेस का डेली का शेड्यूल शाम को तीन बजे से पाँच बजे तक स्टेट पीसीएस की लाइव क्लासेस चलती हैं और शाम को छः बजे से आठ बजे तक यू की लाइव क्लासेस चलती हैं आइए देख लेते हैं हमारे पास आज कौन कौन से टॉपिक हैं एक टॉपिक है लिबोर इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे ब्लू बॉन्ड क्या है कहाँ यूज होता है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और कैंटिलियन इफेक्ट ये अभी काफ़ी चर्चा में है 2008 के बाद से इसको हम इसका टर्म क्या है इसको यूज ये हम सीखेंगे और ये प्री 2023 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको टर्मिनोलॉजी में पूछा जा सकता है और ये चलते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक पर हमारा आज का पहला टॉपिक है लिबोर आप लोग जानते ही होंगे इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है लगभग विश्व के लगभग सभी देश इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहे हैं तो लिबोर इन्फ्लेशन के कारण 2008 के बाद से इसका रेट हाई है सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पर है लिबोर का रेट इसीलिए यह चर्चा में बना हुआ है आइए इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं इसका पूरा नाम है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट आप इसके नाम से कन्फ्यूज ना होइएगा कि इसमें लंदन लिखा है तो यह सिर्फ ब्रिटेन के बैंकों का ही जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड करता है यह वैश्विक स्तर पर जो भी केंद्रीय बैंक होते हैं उनका आपस में जो ऋण का लेन देन होता है उसमें क्या इंटरेस्ट लगेगा वह निर्धारित करता है इसमें आप देख सकते हैं देशों के केंद्रीय बैंक या अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों से लोन लेते हैं देशों के केंद्रीय बैंक अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों से लोन लेते हैं और उस उस लोन में लगने वाली ब्याज दर लिबोर द्वारा डिसाइड होती है आइए देखते हैं वो दर कैसे डिसाइड होती है एक दर दर डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम लिबोर निकालते हैं लिबोर का भी हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं इसका पहले दर का फार्मूला हम देख लेते हैं सबसे पहले लिबोर निकालेंगे और उसमें स्प्रेड ऐड कर देते हैं स्प्रेड क्या होता है प्रॉफिट ऑफ बैंक ऐसे मान लेते हैं कि अगर आर यूएसए के केंद्रीय बैंक से लोन लेना चाहते कुछ पैसे उधार लेना चाहते शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको बता दूं लिबोर शॉर्ट टर्म के लिए होता है यह एक दिन से लेके एक साल तक के लिए होता है एक दिन से एक साल तक के लिए जारी किया जाता है इसके द्वारा जो पैसा उधार लेते हैं तो वह है एक दिन से एक साल तक के लिए होता है इसको हम शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं स्प्रेड क्या है स्प्रेड अब जो इसे आर बी लो, लोन लेता है फेडरल रिजर्व से सॉरी फेडरल रिजर्व से आर लोन लगा लेता है तो फेडरल रिजर्व जो अपना प्रॉफिट लेगा वह स्प्रेड कहलाएगा अब वो चाहे जितना डिसाइड करे इसमें हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा है तीन परसेंट और एक परसेंट अब देखते हैं लिबोर कैसे निकालते हैं लिबोर निकालने के लिए विश्व के टॉप एटीन बैंक इकट्ठा होते हैं और वो अपना रेट देते हैं कि आज की डेट में वह कितना कितने किस रेट पे लोन देने के लिए तैयार हैं एक से अठारह तक के टॉप एटीन बैंक अपना लोन बताएंगे जैसे मान लेते हैं पहला बैंक ने कहा हम दो परसेंट पे लोन देने को तैयार हैं और अठारहवा बैंक कहता हम आठ परसेंट पे लोन देने को तैयार हैं तो जो सबसे कम लोन देने को तैयार कम रेट पे और जो सबसे अधिक रेट पे लोन देने को तैयार है इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं और बीच के बचे 16 तो 16 का एवरेज निकाल लेते हैं 16 का एवरेज निकाल लेते हैं इसका जो भी रेट आएगा वह होगा लिबोर का रेट वह लिबोर की वैल्यू होगी अब फाइनल रेट निकालने के लिए फाइनल रेट निकालने के लिए लिबोर प्लस स्प्रेड यानी कि जो बैंक उधार देने को तैयार है उसका क्या प्रॉफिट है वह किस प्रॉफिट मार्जिन पे देना चाह रहा है वह स्प्रेड ऐड कर देंगे तो टोटल रेट आ जाएगा कि इस रेट पे आपको लोन मिलेगा उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे अब इसमें लिबोर पांच मुद्राओं में जारी होता है लिबोर पांच मुद्राओं में जारी होता है कौन कौन सी पांच मुद्राएं हैं एक है यूएस डॉलर दूसरा है यूरो तीसरा है पाउंड स्टर्लिंग जैपनीज येन और स्विस फ्रैंक इन पांच मुद्राओं में जारी होता है इसको याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है प्री में पूछ सकता है कि लिबोर छह मुद्राओं में जारी किया जाता है चार मुद्राओं में जारी किया जा सकता है उसमें जैपनीज येन की जगह चीन की मिन बिन बी करेंसी को डाल सकता है इसमें याद रखिएगा यूएसडी यूरो पाउंड स्टर्लिंग जेपनीज येन और स्विस फ्रैंक यूज होता है मतलब इन पांच करेंसी में जारी किया जाता है लिबोर का रेट ये जो रेट निकालेंगे वह पांच करेंसी में अलग अलग जारी होगा यूएसडी के लिए अलग रेट होगा यूरो के लिए अलग ऐसे ही पांचों करेंसी के लिए अलग अलग रेट होगा अब इनका मैच्योरिटी पीरियड सात मैच्योरिटी मैच्योरिटी पीरियड सात तरीके के होता है एक होता है एक रात के लिए ओवर के लिए एक वीक के लिए एक मंथ के लिए दो मंथ के लिए तीन मंथ छः मंथ और बारह मंथ के लिए इसको मैच्योरिटी पीरियड इसमें होता है यानी कि जैसे आरबीआई ने आरबीआई ने फेडरल बैंक से लोन लिया फेडरल बैंक से लोन लिया दो महीने के लिए मान लेते हैं लोन लिया और ये लोन लेता है यूरो में यूरो में लोन लेता है दो महीने के लिए यूरो में लोन लेता है तो दो महीने का यूरो का दोनों का अलग अलग रेट होगा इन दोनों को मिला के जो रेट होगा वह आपका रेट निकाल देंगे रेट इक्वल टू ये रेट इक्वल टू लिबोर प्लस स्प्रेड वो बैलू आर बी आई को पे करनी होगी इस तय सीमा के अंदर प्रत्येक मुद्रा और मैच्योरिटी के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग रेट जारी किए जाते हैं और ये जो रेट जारी किए जाते हैं ये डेली सुबह ग्यारह बजे सुबह ग्यारह बजे जारी किए जाते हैं डेली लिबोर के रेट डेली सुबह ग्यारह बजे जारी किए जाते हैं ये एग्जांपल है कि आरबीआई नीड्स लोन इन यू एस डी फॉर वन मंथ तो रेट ऑफ यू एस डी फॉर वन मंथ इसी पॉइंट सेवन एग्जाम्पल है ये कोई एग्जेक्ट वैल्यू नहीं है तो रेट क्या होगा थ्री पॉइंट सेवन तो हो गया उसका लिबोर और स्प्रेड जो भी जो भी फेडरल रिजर्व लेगा वह उसका स्प्रेड हो जाएगा तो इसमें रेट हम कैलकुलेट कर लेंगे इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है मुइबोर यह होता है मतलब भारत के लिए यूज किया जाता है इसका पूरा नाम है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट सेम प्रोसेस होती है इसमें भी बस अंतर ये है कि इसमें सिर्फ भारत के बैंक भारत के टॉप 18 बैंक ले लिए जाएंगे उनका वे अपना रेट देंगे जो सबसे कम मान लेते हैं एक बैंक ने सबसे कम लोवेस्ट दिया और दूसरे किसी बैंक ने हाइएस्ट वैल्यू दिया तो लोवेस्ट और हाइस्ट रेट को कैंसिल कर देंगे शेष जो 16 रेट बचेंगे तो 16 रेट का एवरेज निकाल देंगे डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे उनके रेट का एवरेज आ जाएगा एवरेज से फिर एवरेज जो एवरेज आया वह निकलेगा मुईबोर मुईबोर और इस मुई को सॉरी इस मुईबोर इस मुईबोर को ऐड कर देंगे स्प्रेड से तो मुईबोर का रेट निकल आएगा भारत देश के अंदर एक बैंक दूसरे बैंक से दिए जाने वाले ऋण की दर होती है मोईबोर सेम प्रोसेस है लाइबोर की तरह आइए चलते हैं हम आज के अपने दूसरे टॉपिक पर हमारा अगला टॉपिक है ब्लू बॉन्ड यहां पर जहां पर भी आपको बॉन्ड टर्म आए बॉन्ड का मतलब होता है कि सामने वाला आपसे उधार लेना चाहता है और वह उसके लिए कुछ इंटरेस्ट पेड करेगा ये होता है बॉन्ड वह उसके लिए बाध्य होता है इंटरेस्ट पेड करने के लिए इसलिए बॉन्ड जनरली इसको ज्यादा सिक्योर माना जाता है बाकी भी अदर इन्वेस्टमेंट से तो ब्लू बॉन्ड क्या है यह एक ऋण लिखत का नया रूप है ऋण लिखत मतलब यह एक डेट इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का ऋण लेने का एक तरीका है और यह भारत में सेबी ने इसकी अवधारणा प्रस्तुत की है यानी कि ब्लू बॉन्ड भारत में कौन जारी करता है सेबी जारी करता है यह याद रखिएगा सबसे सब पहले कौन जारी किया गया सेसेल्स ने आप सेसेल्स की राजधानी कमेंट में लिख सकते हैं सेसेल्स ने इसका सबसे पहले ब्लू बॉन्ड देश ने जारी किया था, था। यह याद रखिएगा भारत ने जारी नहीं किया था सबसे पहले ब्लू बॉन्ड सेसेल्स ने जारी किया था और भारत में इसकी अवधारणा सेबी प्रस्तुत करती है और ब्लू बैंड ब्लू बॉन्ड जारी भी से भी करती है भारत के देश के अंदर ब्लू बॉन्ड किस क्षेत्र के लिए जारी किए जाते हैं ब्लू का मतलब होता है इस स्काई से इसको मत लीजिएगा एनवायरमेंट से इस, इसका रिलेशन नहीं है इसका रिलेशन है समुद्र से महासागर से नीली अर्थव्यवस्था से तो यह स्वस्थ महासागर और नीली अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए जारी किया जाता है ब्लू बॉन्ड महासागर को स्वस्थ रखने के लिए यानी कि जो पॉलूशन होता है ओशियन होता है उसके निपटने के लिए जो भी निवेश की आवश्यकता होगी वह ब्लू बॉन्ड के द्वारा ब्लू बॉन्ड जारी करके निवेश प्राप्त किया जा सकता है और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो निवेश की आवश्यकता होती है उसे भी हम ब्लू बॉन्ड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है यह बेहतर आजीविका आर्थिक समृद्धि और रोजगार को बढ़ाने के लिए समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग करना ही नीली अर्थव्यवस्था कहलाता है साधारणी उपयोग का मतलब होता है कि हम किसी चीज को इस हद तक उसका उपयोग ना कर लें कि किसी दूसरे के उपयोग करने लायक वो बचे ही ना जैसे समुद्र के मान लेते हैं हालांकि ऐसा संभव नहीं है मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि समुद्र की सारी मछलियों का आपने उपयोग कर लिया अभी हमारी पीढ़ी ने उसका पूरा उपयोग कर लिया तो वह संधारणी उपयोग नहीं कहला क्योंकि यह आने आगे वाली पीढ़ियों के लिए तो बचा ही नहीं यह संधारणी उपयोग में नहीं आएगा इसीलिए नीली अर्थव्यवस्था में संधारणी उपयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है यह आप अपनी आजीविका बनाए रख सकते हैं आर्थिक समृद्धि करिए रोजगार के अवसर प्राप्त करिए लेकिन याद क्या रखना है कि उनका उपयोग संधारणीय तरीके से होना आवश्यक है तभी वह नीली अर्थव्यवस्था में आएगा ब्लू बॉन्ड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं या, या कि फिर उसका उपयोग समुद्री संसाधन के खनन करने के लिए सतत मत्स्यन और राष्ट्रीय अपतटी पवन ऊर्जा नीति को बढ़ाने के लिए हम ब्लू बॉन्ड का उपयोग करते हैं इसको में इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में सेबी या सेबी इसको जारी करती है और सबसे पहले सेसेल्स से ने जारी किया था आइए चलते हैं हम आज के अपने अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक है हमारा कैंटलिन इफेक्ट कैंटलिन इफेक्ट इन्फ्लेशन के कारण चर्चा में है और ये इम्पोर्टेंट है प्री 2023 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको टर्मिनोलॉजी में पूछा जा सकता है कि कैंटलिन इफेक्ट संबंधित है जियोग्राफी से अर्थव्यवस्था से ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है बना के आपको इसका पता होना जरूरी है यह भी न्यूज़पेपर में भी टर्म आया था कैंटलिन इफेक्ट ये अठारहवीं सदी में रिचर्ड कैंटलिन के द्वारा एक पेपर इशू किया गया था अर्थव्यवस्था पे एक ऐसे इशू किया गया था उसमें उन्होंने यह बताया था कि जब कभी किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन अधिक हो जाता है या कि मुद्रा का सप्लाई बढ़ जाता है तो वस्तुओं की सापेक्षिक दर भी बढ़ जाती है सप्लाई बढ़ाने से रेट भी बढ़ जाएगी इवेंचुअली ये कैंडलिन इफ़ेक्ट इन्फ्लेशन को टारगेट करता है कि जितनी ज़्यादा मनी सप्लाई मार्केट में आएगी उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा इसको नॉर्मल लैंग्वेज में इसको ऐसे लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की जाती है तो इस नई मुद्रा का ज़्यादातर लाभ उन लोगों को होता है जो मुद्रा छापने वाले लोगों जो मुद्रा छापने वालों के करीबी होते हैं मुद्रा छापने वाले कौन होते हैं जनरली गवर्नमेंट होती है उनके जो करीबी होंगे उन्हें मुद्रा जो नई छापी गई मुद्रा है उसका लाभ ज़्यादा होगा अब मतलब मुद्रा छापने वालों के करीबी में कौन कौन से होते हैं बैंकर्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स पी और अन्य वित्तीय संस्थान ये जो इन्वेस्टर होते हैं इन्हीं लोगों को ज़्यादा मुद्रा का नई मुद्रा का लाभ होता है आप सुने होंगे कि कोविड के टाइम पे जब इन्फ्लेशन बढ़ा इतना ज़्यादा तो बहुत जो लोग अमीर थे वह और बहुत तेज़ी से अमीर हो गए और गरीब लोग तेज़ी से और ज़्यादा गरीब हो गए वह कैंटलिन इफेक्ट ही समझाता है इससे वस्तुओं और सेवाओं की सापेक्ष कीमतों में वृद्धि होती है और संसाधनों का गलत आवंटन होता गलत आवंटन से तात्पर्य यह है कि जो संसाधन जिसके लिए आवश्यक थे उसको ना मिलके जो संसाधन से पहले से परिपूर्ण है वह और उसका संग्रहण करता जा रहा है इस ग्राफ में आप आसानी से समझ सकते हैं ये है आपको वाई एक्सेस में डॉलर दिखाया है कि कितने डॉलर छापे गए और ये आपका ईयर दिखा रहा है कि कौन से ईयर की बात बता रहा है रेड कलर में ये टॉप वन परसेंट लोग हैं विश्व के ये अमेरिका के एक्चुअली फेडरल रिजर्व का ग्राफ है रेड कलर में वन परसेंट लोग हैं और ब्लू कलर में जो बॉटम में दिख रहा है ब्लू कलर इसमें बॉटम फिफ्टी परसेंट लोग हैं मतलब नीचे से पचास परसेंट लोग जैसे मान लेते हैं कि अगर टोटल सौ लोग हैं टोटल सौ लोग हैं एक से सौ लोग हैं इसमें से नीचे से पचास परसेंट लोग और ऊपर के एक परसेंट लोग तो एक परसेंट लोगों के पास आप इस ग्राफ में देखेंगे तो लगभग नाइन्टी परसेंट करेंसी एक परसेंट लोगों के पास है और ये लगभग दस परसेंट करेंसी पचास परसेंट लोगों के पास है ये कब का डेट ये ग्राफ कैसा कब का है ये तब निकाला गया जब 2008 में आप इसको देखिए उन्नीस सौ उन्नीस सौ पंचानवे दो हज़ार दो हज़ार पाँच में जब मंदी हुई थी तब ये टर्म यूज आया था और ये जब दो अभी बाईस में मंदी चल रही है तो ये 2020 तक का डेटा पब्लिश किया गया है कि इस तरीके से जब भी सप्ला मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ती है तो अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब की स्थिति में सब सपेचताया गिरावट ही होती है नई छापी गई मुद्रा का वितरण समान नहीं होता है फलस्वरूप समान लोगों की क्रय शक्ति कम होती चली जाती है मतलब इसका मुद्रा का समान वितरण न होने से मतलब क्या है कि जो लोग अमीर होंगे पहले उनको ही फायदा होगा उसके द्वारा धीरे धीरे करके ट्रिकल डाउन थ्योरी के द्वारा आप पढ़े होंगे ट्रिकल डाउन थ्योरी के द्वारा धीरे धीरे वह गरीबों में उसका सिर्फ छानन आप कह सकते हैं कि उसका छानन ही गरीबों में पहुंच पाता है हालांकि वर्तमान अर्थशास्त्रियों द्वारा धन को काफ़ी हद तक तटस्थ माना गया है और इसकी आपूर्ति में बदलाव का अर्थव्यवस्था से कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा ये ये जो कैंटलिन इफेक्ट है इसे वर्तमान अर्थशास्त्री एक मिथ मान रहे हैं भ्रम इसको सही नहीं मान रहे हैं लेकिन आपके एग्जाम के लिए कैंडलिन केंटली, इफेक्ट सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है ये सब थ्योरी नहीं पूछेगा ये सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि ये किस से रिलेटेड है यह इकॉनमी से रिलेटेड है और इकॉनमी के अंदर किस से रिलेटेड है यह इन्फ्लेशन से रिलेटेड है यह इन्फ्लेशन से रिलेटेड है यह आपके लिए जानना जरूरी है हमारे यहीं तक टॉपिक थे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग